श्री आज इस दुनिया में नहीं है, आप सब जानते हैं। स्कूल में उसके साथ क्या हुआ, कुछ आज उसी के बारे में बात करेंगे। आज एक माँ बिलखला रही है, बाप तड़प रहा है कि काश उसकी बच्ची आ जाए, पर जो चला गया दुनिया से वो वापस कहाँ आता है। और उसकी इस तरीके की मौत होना ये बहुत एक संगीन की तरफ जाता है, पर मैं उसके अंदर आप लोगों के साथ कुछ जो स्टोरी है, जो कहानी बताई जा रही है स्कूल की तरफ से, मैं उस कहानी को आप लोगों को सुनाऊंगी। और जो उन लोगों ने बताया है, जो श्रेया की माँ ने, श्रेया के पिताजी ने बताया है, उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगी। बस मेरी इतनी सी शर्त है, आप इस वीडियो को देखिएगा समझिएगा, और समझने के बाद अगर आपका दिल गवाही देना कि इस वीडियो को आगे शेयर करना है तो ज़रूर कीजिएगा। बेशक आप लाइक मत कीजिएगा, सब्सक्राइब मत कीजिएगा, हाथ जोड़कर मेरी विनती है, कमेंट करके ये बात ज़रूर बताएगा क्या इन सब चीज़ों पर रोक होनी ज़रूरी है, चाहे आज वो मेरी बेटी हो या कल तुम्हारी बेटी हो। बेटी बेटी होती है। जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे ना, तो आपने आने वाले आगे जो कुछ ऐसा गलत हो रहा है उसको आप रोक पाएंगे। उसके लिए आपको सिर्फ यही करना है। अगर आपको मेरे से प्रॉब्लम है ना, अगर आपको मेरे से कुछ ऐसा है कि नहीं हमें इसके चैनल को ग्रो नहीं होने देना है, हमें इसके, मैं यहाँ चैनल की बात करने नहीं आई हूँ, मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं सिर्फ आज श्रेया के बारे में बात करने आ रही हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि श्रेया को इंसाफ मिले, उसके पेरेंट्स को इंसाफ मिले, जो कि उसकी माँ कहती है कि आज मेरी बेटी गई है, श्रेया की माँ ये बात कहती है आज मेरी बेटी गई है, कल तुम्हारी बेटी की बारी ना हो, उससे पहले इन चीज़ों को रोकना होगा, तो वही आज मैं आपसे कह रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो विस्तार से आप सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो श्रेया, आप सब जानते हैं श्रेया अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। तो श्रेया को स्कूल में, श्रेया स्कूल जाती है, स्कूल बैग के अंदर उसको एक फ़ोन, जो कि स्कूल वाले बता रहे हैं, उसके बैग में एक फ़ोन और एक प्रकॉशन मिलता है, जिसको लेकर स्कूल उसके श्रेया का जो क्लास टीचर है वो उसको हर क्लास के अंदर लेके जाता है, और वो ये बोलता है कि इस लड़की के हाथ में ये चीज़ें, ये बैग में मिली है, और ये इसके पास मिला है प्रकॉशन, जो उसको बार बार नाम बोलकर उसको बेइज्जत किया जा रहा था और हर क्लास में जाकर उसको जलील कर रहे थे। ठीक है, चलो हम मान लेते हैं, एक बार को हम ये चीज़ें मान लेते हैं कि उसके बैग में कुछ मिला था, तो क्या एक टीचर होने के नाते आपका ये राइट बनता था कि आप उसके पेरेंट्स को बताएं कि उसकी बच्ची के बैग में ये सब चीज़ें मिली हैं, पर ऐसा नहीं किया गया। अब मैं आपको आगे बताती हूँ। तो जब ऐसा नहीं किया गया तो श्रेया को हर क्लास के अंदर जलील किया गया। आपको पता है हर क्लास में कैसे कैसे स्टूडेंट्स होते हैं, बॉयज़ भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं, कोई भी उसके माइंड में कुछ भी गलत, क्योंकि जब हम इस तरीके से वो करते हैं ना, एक रैली टाइप का कहते हैं ना, एक चोर चोरी करके निकलता है, तो जब वो पकड़ा जाता है तो उसके चेहरे पर कालित पोती जाती है। पर यहाँ पर श्रेया के चेहरे पर कालित नहीं पोती गई थी, यहाँ पर श्रेया के चरित्र, श्रेया के ज़मीर को मारा गया था, उसका कत्ल किया गया था पहले। कितनी संगीन मौत है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये सब हुआ उसके साथ, उसको जलील किया, उसको प्रताड़ित किया, यहाँ तक कि श्रेया जब नेक्स्ट डे, दो दिन की छुट्टियाँ पड़ जाती है, मुहर्रम की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं, और उसके बाद जब नेक्स्ट डे पड़ता है मंडे को, वो उसका फास्ट होता है, वो अपने माथे पे तिलक लगाकर स्कूल जाती है, क्योंकि जब कोई भी पूजा करता है हिंदू धर्म में तो वो सबसे पहले माथे पे टीका ज़रूर लगाता है, तो वही उसने भी किया था, उसका व्रत था, और वो उस व्रत को व्रती थी वो। उसकी मम्मा का कहना है कि मेरी बेटी ने व्रत किया था, उसके माथे पे टीका लगा हुआ था, और वो जिस दिन अगले दिन स्कूल जाती है तो वो बच्ची उस चीज़ को भूलने की कोशिश कर रही थी, पर उसने, उस बच्ची ने अपने स्कूल की इन हरकतों के बारे में अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, जो कि दो दिन पहले उसके साथ हो चुकी थी। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, जो हो गया, शायद वो हुआ था या नहीं हुआ था, कुछ भी हो सकता है, कहने के लिए अब कुछ भी है। जो उसकी मम्मा ने बताया है, जो टीचर्स बता रहे हैं कि इस तरीके से ये सब चीज़ें हुई हैं, मैं आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ। इसके अंदर कुछ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मिर्च मसाला लगा के आप लोगों के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मेरा उनसे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है, यहाँ एक बेटी की बात है, यहाँ पर मिर्च मसाला लगाकर कोई भी बात आप मत रखिए। अपनी टीआरपी के लिए, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, अच्छे व्यूज़ लाने के लिए कुछ ऐसा गलत मत बोलिए जो आपका ज़मीर भी गवाही ना दे। आप सिर्फ वही बोलिए जो आपको पता है, जो टीचर्स ने, जो उसके पेरेंट्स ने आपको बताया है। आप मिर्च मसाला लगा के चार बातें और एक्स्ट्रा उसके अंदर ऐड करके मत बोलिए। इससे अच्छा तो आप चुप रहो, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर वो अपने स्कूल में आती है, उसकी जो फ्रेंड है, क्लासमेट हैं उसके साथ की, उन्होंने ये बताया कि जब वो आती है अपना टिफ़िन लेकर, जो उनका लंच होता है, लंच पीरियड के बाद उनका, वो अच्छे से बोल रही थी, खेल रही थी, सब लोगों से अच्छे से बात कर रही थी, बट उसके बाद जब वो प्रिंसिपल ऑफिस में जाती है, वहाँ पर उसके सारे कैमरे, ऑफिस के जो सारे कैमरे हैं वो ऑफ कर दिए जाते हैं, जो कि प्रिंसिपल मैम का कहना है कि शायद ख़राब हो गए हैं, या फिर उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हो गया, मतलब कुछ खराबी होने के कारण वो कैमरेज बंद हैं। वहीं पे उनकी क्लास के बच्चे ये बात कहते हैं कि अगर हम अपनी क्लास में से
शोर करते हैं या शैतानी करते हैं, तो प्रिंसिपल मैम वहीं से माइक से बोलती हैं कि प्लीज़ बच्चे शांति बनाए रखें, पढ़ाई करें, अपनी जो बुक्स हैं उनको रीड करें, अपना जो चैप्टर है उनको लर्न करें। तो इस तरीके की जब वो इतनी फैसिलिटी है कि प्रिंसिपल ऑफिस से ही बैठकर अनाउंसमेंट होती है क्लासरूम में, तो वहाँ के कैमरास कैसे ऑफ हो सकते हैं, आप ही बताइए, नहीं हो सकते ना। और ये चीज़ें हुई हैं पूरे 80-90 मिनट, आप समझिए उसको ऑफिस में रखा जाता है। उसके की जो कमीज़ है वो यहाँ से फटी होती है, यहाँ से फटी होती है। श्रेया की मम्मा का कहना है कि उसने कान में ज्वेलरी पहनी हुई थी, गोल्ड पहना हुआ था, उसके नाक में नोज पिन थी, वो भी नहीं है, वो भी नहीं। अगर मेरी बेटी ने छत से स्कूल की छत पे जाकर आत्महत्या की है तो वो कपड़े कैसे फट जाएंगे? अगर मेरी बेटी को कुछ ऐसा हुआ है, चलो मान लेते हैं कि इस घर की डिप्रेशन, क्योंकि स्कूल वाले कह रहे हैं कि घर का कुछ फ्रस्ट्रेशन है, जो स्कूल में वो इस तरीके का व्यवहार कर रही थी, वहीं पर उसके क्लासमेट, उसकी जो फ्रेंड्स हैं जो उसके क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि नहीं, श्रिया लंच तक हमारे साथ खूब हंस रही थी, खेल रही थी। जो बच्ची डिप्रेशन में होगी, मानसिक तनाव में होगी, तो वो बच्ची ना खेलेगी ना बात करेगी, वो सिर्फ गुमसुम होकर बैठी रहेगी। ठीक है, वो खेल भी रही थी, बात भी कर रही थी और अपनी क्लासमेट के साथ उसने लंच भी किया। लंच करने के बाद जब वो जैसे उसको वर्थ था, तो जो उसके पेरेंट्स ने उसको कुछ भी दिया होगा लंच में, तो वो सब हुआ। उसके बाद वो प्रिंसिपल ऑफिस से, जैसे उसकी क्लास टीचर उसको प्रिंसिपल ऑफिस में लेके जाते हैं, वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल के साथ साथ इतने सारे आपके हमारे सबके दिमाग में जवाब हैं, जो हम जो सोच रहे हैं, भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो, पर जो रिपोर्ट आई है, जो उसकी रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें ये चीज़ें बोली हैं, चोट लगने की वजह से उसकी डेथ हुई है, ना कि उसके साथ कुछ किया गया है। वहीं पर श्रेया की मम्मी का ये बात कहना है कि चलो मान लिया कि मेरी बेटी एम्बुलेंस में उसको जब लेके आ रहे थे, जैसे टीचर्स का और वहाँ के जो चौकीदार हैं उनका ये बात कहना था, वॉचमैन हैं जिनका ये बात कहना था कि जब श्रेया को हम वैन में एम्बुलेंस में रख रहे थे, तब उसका शर्ट फट गया होगा। तो अगर ऐसा है तो कैसे फट सकता है? यहीं से फटेगा। उसके अंडरग्राउंड्स, उसको बहुत गंदी तरीके से उसके साथ कुछ तो ऐसा मिसव्यवहार किया गया है जो कि बिल्कुल भी, अब ये लगा लो, उसकी श्रेया की मम्मी ये बात खुद कह रही हैं कि वो भैया दबंग लोग हैं, उनके पास पैसा है और पैसे से हर इंसान अपनी कमियों को ढाक लेता है, तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि स्कूल की बात है, काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं और अच्छा स्कूल है, तो स्कूल की रेपुटेशन ना ख़राब हो, तो कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उनके स्कूल की रेपुटेशन ख़राब हो। पर सवाल आज भी वही है और कल भी वही था कि उसकी, अगर उसको मेंटली डिस्टर्ब थी, वो उसके माइंड में कुछ चल रहा था, उसने दो दिन पहले जो उसकी फैमिली उसके स्कूल में उसके साथ वारदात की गई, उसके प्रोकेशन और उसके बैग में मिले मोबाइल को लेकर पूरी क्लास में उसको राउंड लगवाया गया, हर क्लास के अंदर ले जाकर उसको बताया गया कि इस लड़की का चेहरा गौर से देख लीजिए कि ये लड़की के पास ये सब चीज़ें मिली हैं। तो पहली बात तो ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है कि टीचर्स इस चीज़ को बच्चों को दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं, ये चीज़ें बोल रहे हैं कि इस बच्चे के बैग से ये चीज़ें मिली हैं, तो आप कैसे स्टूडेंट के साथ ये सब चीज़ें कर सकते हैं? बाकी चलो एक मान लेते हैं, 1% आपकी बात में सच्चाई है कि उसके बैग से कुछ मिलता है, आप उनको सभी बच्चों के साथ में कैसे दिखा सकते हैं? चलो फोन दिखा सकते हैं, ऐसी चीजें आप कैसे बच्चों के सामने इन चीजों को लेके आ सकते हैं? एक टाइम आता है, एक एज आती है, उस एज के अकॉर्डिंग हमें जब बच्चों को लेसन रीड भी कराना होता है तो बहुत सारी चीजें समझनी होती हैं, ऐसे ही सब कुछ खुलेआम नहीं बता दिया जाता है। पर वहां पर इन चीजों की क्यों लापरवाही बरती गई, आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। अब जितना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, जितनी मैंने आप लोगों को बताया है, जो श्रेया की मम्मी ने बताई है और जो भी बात स्कूल की तरफ से निकल के आई है, दोनों ही बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप मेरी हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करो मत करो, लाइक करो मत करो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, अगर आपके दिल को लगा है कि सच में उस बच्ची के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और जहाँ पे भी आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। हम चाहते हैं श्रेया को इंसाफ मिले और उस स्कूल में ताला लगे। बात ये नहीं है, हम अपने बच्चों को एक एजुकेशन लेने के लिए बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वहाँ पर हमारे बच्चों के साथ अगर इस तरीके की वारदातें होती हैं तो ये बहुत शर्मसार है। जैसे कि आपको पता है, राजस्थान में भी अभी जो चीज़ें हुई हैं, एक लड़की के साथ रेप करके उसको कोयले की भट्टी के अंदर जुलूस दिया जाता है, और उसको जब वहाँ से मिलता क्या है मैं आपको बताऊँ, उस लड़की की हड्डियाँ और एक कड़ा और उसकी चप्पल, ये चीज़ें वहाँ से बरामद होती हैं। तो अगर इतना कुछ हमारे देश में हो रहा है,
तो क्यों आप लोग सहमे हुए? आज भी मैं कहती हूँ औरत और लड़की हमारे देश में आज भी सेफ नहीं है। जहाँ पर राजस्थान में ये चीज़ें कही जा रही हैं कि वहाँ इलेक्शन की ये सब चीज़ें हो रहा है, तो उसकी वजह से ये सब इलेक्शन की वजह से बहुत लोग इसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं। बेटी हमारी हो या तुम्हारी, आज ढकोगे तो कर्मा सबका लौट के आएगा। आपको आवाज़ उठानी होगी, बोलना होगा। अगर आप सामने नहीं आ सकते हैं तो प्लीज़ इतना तो कर सकते हैं अपने घर में अपने परमात्मा को, जिस भी इष्ट को आप पूछते हैं उससे प्रार्थना कीजिए कि उस बच्ची को और हमारे देश की हर बच्ची को एक सेफ फ्यूचर मिले, उसकी लाइफ अच्छी रहे। और श्रिया ने क्या गुनाह किया था और उस 13 साल की बच्ची जिसका राजस्थान में ये सब चीज़ें हुआ है उसका क्या गुनाह था? चलो मान लेते हैं 18-19 साल की होगी, एजिड होगी, माइंड चढ़ गया या जवानी का कुफार था, ये सब चीज़ें थी। पर उन बच्चियों ने क्या किया था जिनके साथ लोग अपनी हवस मिटाने के लिए इनके साथ ऐसी वारदातें करते हैं? क्यों? कमेंट में ज़रूर बताइएगा आखिर क्यों।